सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी जो है ऐसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे गेम के ऊपर जो OE42 अपडेट है वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्योस इवेंट है वो भी आज आने वाला है। तो फिलहाल जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ तो अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, तो वीडियो डालते ही आपको इवेंट जो है देखने को मिल जाएगा। तो इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे आने वाले अपकमिंग कुछ और भी जो है न्यू आइटम्स के रिव्यू के बारे में, आने वाले कुछ थीम इवेंट्स के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हुए हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारे गेम के ऊपर जो अपडेट है वो आ चुका है। तो आप जो है 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे इस अपडेट को, मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी दोस्तों, कुछ ही टाइम के बाद अपना क्योस इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको फ्री फीमेल बंडल और फ्री इमोट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसके अलावा कुछ हल्के फुल्के रिवार्ड देखने को मिलेंगे। तो मैंने गेम अपडेट कर लिया है, गेम अपडेट करते ही मेरे उसमें एयर ड्रॉप भी आ चुका है। तो आपके उसमें क्या कोई एयर ड्रॉप वगैरह आया या फिर नहीं आया है, तो सस्ता एयर ड्रॉप अगर आ रखा है तो ले लेना, बाकी अगर एयर ड्रॉप नहीं आया है तो भाई थोड़ा गेम में कम एक्टिव रहो ताकि एयर ड्रॉप आपको जल्दी देखने को मिले। बाकी दोस्तों, लक रॉयल के अंदर अपनी जो ऑक की स्किन है वो आ चुकी है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो स्किन काफ़ी सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपना जो गोल्ड रॉयल है उसके साथ स्कैम हो गया है। गोल्ड रॉयल की जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो भाई पता नहीं इंडिया में गोल्ड रॉयल को ये लोग चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, और अच्छे जो गोल्ड रॉयल के बंडल हैं वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। गरीना वाले चाहते क्या हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद गोल्ड रॉयल चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल तो इसकी जो डेट है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए बढ़ा दी गई है। अगर दोस्तों बात करें अदर सर्वर के बारे में, तो अदर सर्वर के अंदर जो बंडल मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो चिली वाला बंडल है इसका गोल्ड रॉयल दिया गया है। आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों बंडल गोल्ड रॉयल में डाले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, वेपन रॉयल के अंदर अपनी MP40 की स्किन को दिया गया है, जो कि ऑक की स्किन से लाख गुना अच्छी है। तो काफ़ी अच्छी स्किन अदर सर्वर के ऊपर दी जा रही है, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों इंडिया में जो है बेकार स्किन दी है। तो अगर MP40 की स्किन इंडिया में आ जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों, बात करें इवेंट का इंटरफेस कैसा रहने वाला है, तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको लॉगिन रिवार्ड देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा राइट साइड में आपको जो रिवार्ड मिल रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको वोटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वोट देने के लिए आपको टोकन चाहिए होगा, तो टोकन आपने कैसे कलेक्ट करना है, टोकन आपने डेली टास्क कंप्लीट करके कलेक्ट करना है, और टोकन जैसे कलेक्ट करेंगे उसके बाद आप जिस चीज़ पे वोट दोगे, जो चीज़ पे ज़्यादा वोट पड़े रहेंगे गेम के अंदर, वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, आर्सेनल जो है वो हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा, और बहुत सारे जो चेंजेस हैं मैप के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट यहाँ पर आने वाला है, तो आप लोग फटाफट टोकन जमा करके जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है उसमें जाके वोट कर देना। तो ये अपना OV42 अपडेट का जो है पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो अपडेट आपको कैसा लगा, मुझे तो देखो एवरेज लगा है, उतना कोई खास भी नहीं है, तो अपडेट एवरेज है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अब दोस्तों, अपडेट के बाद करते हैं यहाँ पे आने वाले इमोट्स का रिव्यू। तो अपडेट के बाद बहुत सारे इमोट आने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक डुओ वैलेंटाइन इमोट देखने को मिल जाएगा, जो कि वैलेंटाइन थीम के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो डुओ इमोट है ये आपको वैलेंटाइन इवेंट के टाइम पे देखने को मिलेगा। तो अपना जो वैलेंटाइन इवेंट है वो 7 या फिर 8 फरवरी से आने वाला है, तो उस टाइम पे दोस्तों आपको ये जो इमोट है किसी महंगे डायमंड वाले इवेंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो इमोट है वो है स्पीड समन। तो ये यहाँ पे रमदान स्पेशल इमोट यहाँ पे निकल के आ रहा है, अपना वाटर फेस्ट इवेंट स्पेशल भी हो सकता है। तो इवेंट जो है, जो इमोट है वो काफ़ी ओपी है, मतलब काफ़ी अच्छा इसका जो एनिमेशन है वो डाला गया है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो इमोट है वो है सांबा इमोट। तो ये जैसे मोर नाचता है, मोर की तरह ये नाच रहा है, तो ये इमोट भी काफ़ी सही है, मतलब उतना कोई खास तो मुझे लगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो इमोट है वो है आम आदमी पार्टी वाला इमोट, यानी कि दोस्तों झाड़ू वाला इमोट। तो ये स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे चला रहा है, तो ये वाला इमोट भी काफ़ी सही है भाई, झाड़ू लगा के सफाई कम कर रहा है और जो है सफाई ज़्यादा बिगाड़ रहा है ऐसा लग रहा है। इसके अलावा होली इवेंट का इमोट आप देख सकते हैं, ये इमोट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिसका नाम है कलर ब्रस्ट। तो कलर ब्रस्ट का जो इमोट है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। अगला जो इमोट है वो है अपना रमदान स्पेशल इमोट। तो इस वाले इमोट के अंदर क्या कर रहा है कि भाई अपना जो है यहाँ पे कुछ खावा रहा है, मतलब समोसे वगैरह इस तरह की मिठाई वगैरह खा रहा है। तो ये रमदान वाला इमोट भी काफ़ी ओपी है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो इमोट है वो है डांस इमोट।
तो ये इमोट आपको फ्री में मिलने वाला है अपने चाओस इवेंट में। इसके बाद जो अगला इमोट है वो है अपना ट्रेजर इंपीरियर ट्रेजर मशीन। तो ये राजा महाराजाओं की तरह दोस्तों बैठा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक तरीके से। इसके बाद जो अगला इमोट है वो भी अपना क्योस थीम के ऊपर बेस्ड है, तो ये इमोट भी काफ़ी ओपी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर एक हाथ बन के आ रहा है और हाथ के अंदर जो है यहाँ पे जो अपना बंदा है वो बैठ रहा है, तो देखने में काफ़ी कूल और काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है। इसके बाद जो अगला इमोट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई, मेढक वाला। ये वाला इमोट आपको बुया पास के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये वाला इमोट काफ़ी खतरनाक है भाई, काफ़ी फनी है। तो ये वाला इमोट भी आपको बुया पास के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे इमोट का रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ इमोट रमजान इवेंट में आने वाले हैं, कुछ वैलेंटाइन में, और कुछ अपने को होली इवेंट में देखने को मिलेंगे, और कुछ इमोट आपको फ्री में दिए जाएंगे जैसे कि अपना होली इवेंट का इमोट हो गया, और कुछ इमोट आपको जो है उसके लिए आपको डायमंड वगैरह खर्च करना पड़ेगा। तो ये इमोट में से आपको सबसे बेस्ट इमोट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। इसके अलावा दोस्तों अपडेट के बाद यहाँ पे इनकैरनेट थीम के ऊपर कुछ आइटम आने वाले हैं, तो इनकैरनेट थीम का एक बंडल आप देख सकते हैं जिसमें बियर का जो एनिमेशन है वो बन के आ रहा है भाई, मतलब जो बियर है होता है, जो भालू होता है उसका एनिमेशन बन के आ रहा है, तो देखने में काफ़ी ओपी लग रहा है। बहुत सारे लोग इसको वैलेंटाइन का बंडल बोलेंगे, लेकिन ये वैलेंटाइन का बंडल नहीं है, एक अलग सा इवेंट आने वाला है, छोटा मोटा इवेंट, उस इवेंट में आपको ये दोनों बंडल दिए जाएंगे जो कि अपना इनकैरनेट थीम के ऊपर बेस्ड है। तो पहला वाला बंडल भी काफ़ी ओपी है, और इसके अलावा जो अपना दूसरा ग्रीन बंडल है, ग्रीन बंडल भी काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है। इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है अपना ग्रेनेड स्किन, तो ग्रेनेड स्किन का जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ओपी है। इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है अपना साइथ स्किन, तो साइथ स्किन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, देखने में काफ़ी कूल लग रही है, और ग्रीन एनिमेशन इसके अंदर डाला गया है, तो ये साइथ की स्किन भी आने वाली है। और जो लास्ट रिवार्ड है वो है बाइक की स्किन। तो टोटली चार पांच ही रिवार्ड है, दो बंडल हैं और बाकी थोड़े हल्के फुल्के रिवार्ड है। तो ये एक इवेंट आने वाला है जो कि आपको मार्च में देखने को मिलेगा, मतलब मार्च मंथ में। तो इसमें से आपको कौन सा जो है आइटम अच्छा लगा, मुझे तो दोनों बंडल काफ़ी पसंद आ रखे हैं, तो दोनों बंडल आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्द हमारे इस अपडेट के अंदर। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले चियोस काओस जो भी इवेंट है इसके रिव्यू के बारे में। सबसे पहले आपको डेविल टोकन देखने को मिल जाएंगे, डेविल टोकन को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है अपना इमोट जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है जीप की स्किन, तो कुछ सर्वर के अंदर जीप की स्किन फ्री में दी जा रही है, तो हो सकता है इंडिया में भी आपको जीप की स्किन जो है फ्री में देखने को मिल जाए, तो जीप की स्किन भी काफ़ी ओपी है। इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है अपना बैकपैक, तो बैकपैक तो काफ़ी ओपी है, ये आपको किसी न किसी वेब इवेंट में या फिर किसी जो है डायमंड वाले इवेंट में जो है बैकपैक अवेलेबल कराया जाएगा जो कि सिलेक्टेड सीरीज का बैकपैक है, तो बैकपैक काफ़ी ओपी लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों बिजोन की जो स्किन है वो भी काफ़ी ओपी है, इसके अंदर जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छा डाला गया है और इसके एट्रीब्यूट्स भी जो है काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद जो अगली गन स्किन है वो है M14 जो कि एक रॉयल इवेंट में आने वाली है, तो रॉयल इवेंट में आपको M14 की जो स्किन है वो देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ओपी स्किन है। इसके अलावा इसी की थीम के ऊपर एक AC80 की स्किन भी है, तो AC80 की स्किन भी काफ़ी अच्छी है, बट इसके एट्रीब्यूट्स उतने कोई खास नहीं है, थोड़ा रेंज वगैरह बढ़ाई गई है। इसके बाद यहाँ पे एक चाकू की स्किन आपको देखने को मिल जाती है, और चाकू की स्किन के बाद आपको एक जो साइथ की स्किन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो साइथ की स्किन भी नॉर्मल है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इसका बंडल, क्योंकि बंडल इसका सबसे खतरनाक चीज़ है, तो बंडल आप देख सकते हैं, बंडल का रिव्यू आप देख सकते हैं, बंडल काफ़ी ओपी है, सिलेक्टेड सीरीज का बंडल है, किसी महंगे इवेंट में आने वाला है। अभी कौन से इवेंट में आएगा कन्फर्मेशन निकल के नहीं आ रखी है, पोस्टर भी निकल के नहीं आ रखा है, तो जैसे ही कन्फर्मेशन आ जाएगी, पोस्टर वगैरह आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ये मेल बंडल आने वाला है। बाकी फीमेल बंडल तो आपको फ्री में देखने को मिलेगा, तो फीमेल बंडल तो नॉर्मल है, कोई एनिमेशन वगैरह अपने को देखने को नहीं मिलता है, तो वो फीमेल बंडल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी कुछ टोकन वगैरह और कुछ वाउचर वगैरह आपको जो है इस इवेंट में देखने को मिलेंगे। तो इस इवेंट के सारे जो रिवार्ड है उनका रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया है, तो कौन सा चीज़ आपको बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके बता देना। मुझे तो इस थीम का जो है जो बंडल है वो काफ़ी पसंद आ रखा है, बंडल काफ़ी ओपी है, एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये रहा दोस्तों अपना OE43 अपडेट के कुछ आने वाले आइटम, वैसे बहुत सारे आइटम हैं, अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर रमजान इवेंट के, होली इवेंट के जो भी रिवार्ड्स हैं उनका रिव्यू दिखा दूंगा, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कोबरा बंडल के बारे में, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कोबरा बंडल कब आएगा, क्योंकि अब OB अपडेट भी आ चुका है, तो अपडेट तो आ चुका है कोबरा बंडल कब आएगा। तो देखो भाई मैं आपको सबसे पहले तो कोबरा बंडल की जो पॉसिबल डेट है वो बता देता हूँ, तो अपना जो कोबरा बंडल है वो आने वाला है मार्च मंथ में, मार्च मंथ में होली और रमजान दोनों इवेंट आने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपको जो कोबरा बंडल है वो अपने को रिटर्न पे देखने को मिलेगा। और बात करें अपने इवेंट के बारे में, तो इवेंट रहने वाला है टोकन व्हील इवेंट, तो टोकन व्हील इवेंट के अंदर ही आपको जो कोबरा बंडल है वो यहाँ पे रिटर्न पे देखने को मिलेगा। तो कोबरा फिस्ट जो है मोको स्टोर के अंदर आ चुकी है, तो बहुत ही जल्द आपको जो कोबरा बंडल है अपने मार्च मंथ में, पॉसिबल डेट के बारे में बात करें तो आपको जो है 8 से लेकर 10 या फिर 11 मार्च के बीच में जो है
कोबरा बंडल जो है रिटर्न पे देखने को मिल जाएगा, और जो इवेंट है वो रहने वाला है टोकन व्हील इवेंट। तो बिल्कुल कंफर्म अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। बाकी कोबरा MP40 आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी अपने ईवो वर्ल्ड के अंदर। तो अभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें।